गरीब का सीमेंट ब्रिक ऑटो। एक गांव में जनवाड़ नाम का एक गरीब बस्ती था। उस बस्ती का गरीब बच्चे सब सूर्या के ऑटो में स्कूल जाते थे। वो स्कूल गांव से 10 किलोमीटर के दूरी में रहता था। सूर्या अपने बेटे केशव के साथ बस्ती के बच्चों को मुफ्त में ही स्कूल में छोड़कर वापस लेकर आता था। धनवान के बच्चे तो कार्स में स्कूल आते थे। एक दिन उस स्कूल का हेडमास्टर कांचीराम से हितेश नाम का एक धनवान, ये क्या है जी, असल में ये स्कूल को किसने बनवाया है? हमारा रिच पीपल का सोसाइटी है, मगर उन बच्चों से ज्यादा गरीब के बच्चों को क्यों अच्छा मार्क्स आ रहे हैं? उसमें हैरान होने की क्या बात है सर, पैसे वाले हो या गरीब लोग हो, कौन अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनको ही सरस्वती देवी का अनुग्रह मिलता है, मार्क्स भी अच्छे से आएंगे और बड़े होने के बाद बड़े अच्छे अच्छे नौकरियां भी मिलेंगे। आपके बच्चों का ध्यान तो हमेशा खेल या खाने में रहता है सर, उसके ऊपर उनका कार्स के बारे में गप्पे मारते रहते हैं और महान बनते रहते हैं। स्कूल कैसे आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, पढ़ाई दिमाग में गई कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर हितेश का खून गर्म हो गया और गुस्से से, ओहा ऐसा है क्या, तो फिर क्या करना है मुझे मालूम है। उस रात को हितेश सूर्या के ऑटो को रउडी लोगों के साथ जला दिया। अगले दिन उसके ऑटो को देखकर सूर्या, हे भगवान मेरा ऑटो जल गया है, मेरा पास यही एक जीवन का आधार है, सब कुछ जल गया है, कहकर रोने लगा। रोना मत डैडी, रिपेयर करवा लेंगे। अगर इसका बॉडी को लगाना है तो कम से कम 1,00,000 रुपए खर्चे होंगे, उतना पैसा हमारे पास कहाँ है। अब तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स स्कूल जाना भी बंद कर दो, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। तब केशव और बस्ती के बच्चों के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से बस्ती के बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। स्कूल में हेडमास्टर कांचीराम उदास हो गया। फिर एक दिन हितेश आकर, क्या मास्टर जी स्कूल कैसे आए हैं या किस में आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं कह रहे थे ना, अब वो गरीब बच्चे 10 किलोमीटर चलते हुए नहीं आ पाएंगे, अब फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक सब हमारे बच्चों को ही आएगा, गरीब का झंझट बंद हो गया, चलो जाओ। ये सब तुम्हारा किया है, छी। तब कांजीराम सूर्या के पास आकर उनसे सब बात बताया। अरे बाप रे, ये हितेश जी का काम है, तो फिर मैं जिंदगी भर ऑटो नहीं चला पाऊंगा, अगर मैं कर्ज लेकर इस ऑटो का बॉडी को लगाया तो भी वो फिर से इसे जला देगा। तब केशव को एक विचार आया। पिताजी हम अपने ऑटो को ईंटों से बॉडी बनाते हैं, उसके लिए 2-3 हजार से ज्यादा खर्च नहीं होगा, अगर हितेश जी ने उसे नष्ट किया तो भी हम आसानी से उसे फिर से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सोच है रे, इसने जो कहा वो सच है सूरी, अगर वैसे करोगे तो फिर से तुम ऑटो चला पाओगे, बच्चे फिर से स्कूल जा पाएंगे, उतना ही नहीं वो हितेश अब इनका पढ़ाई रुक गया है सोचकर बहुत खुश हो रहा है, उसको चप्पल से मार के जवाब दिया जैसा होगा। फिर वैसे ही सूरी अपने ऑटो का बॉडी ईंट और सीमेंट से तैयार करना शुरू किया। केशव ने उसको मदद किया। फिर 2 दिन में सीमेंट ब्रिक ऑटो पूरा किया। फिर केशव उस ऑटो ड्राइविंग सीट में बैठकर अपने पिताजी से, इतना गर्मी में भी ऑटो के अंदर बहुत ठंड है पिताजी। हाँ हाँ तुम्हारा आइडिया बिल्कुल अच्छा है, लोहे का ऑटो से ये ज्यादा अच्छा है। फिर सूरी ने केशव और बस्ती के बच्चों को ऑटो में बिठाकर स्कूल लेके गया। रोड में हितेश ऑटो और बच्चों को देखकर हैरान हो गया। फिर वैसे ही सूरी गरीब बच्चों को हर रोज स्कूल छोड़ने लगा। हितेश को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन कांचीराम हितेश से, देखा हितेश जी उन गरीब बच्चों ने स्टेट लेवल में बेस्ट रैंक लाया है, सूरज का रोशनी को हाथ रखकर नहीं रोक सकते हैं सर, अब तो अच्छे से सोचिए और बदल जाइए, आपके बच्चों को पढ़ाई में मुकाबला करने के लिए कहिए, नहीं तो बड़े होने के बाद वो लोग आपके जैसे ही बन जाएंगे, ध्यान से रहिए। तब हितेश ने उनका सर झुका लिया और फिर वैसे ही गरीब लोग खुशी से ब्रिक सीमेंट ऑटो में स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ने लगे। और फिर सूरी ऑटो चलाने के साथ साथ गांव में जिसका ऑटो खराब हो गया उनको रेत और सीमेंट से बॉडी बनाकर पैसे भी कमाने लगा।